क्या आपको पता है कि अगर हम लोग एक बड़े पेड़ को छोटे में कंप्रेस कर दे, मतलब ऐसे पेड़ को ऐसे में कर दे किसी भी तरह एक आर्ट के जरिए, तो इस आर्ट को बॉन्साई कहते हैं, BONSAI। और कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट ने अंडे को अनबॉयल करने का तरीका निकाल लिया है, मतलब एक बॉयल्ड अंडा को वापस ऐसा अंडा अब पॉसिबल है। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, इनएस्टिमेबल मैन। फैक्ट नंबर 19, मिशिगन जगह पर एक शहर है और उस शहर का नाम है क्रिसमस शहर का नाम है। ये एक फैक्ट है, ठीक है, लेकिन और इससे भी बड़ा फैक्ट ये है कि इस शहर के मैप को देखो, मैप में आप देख सकते हो कि इसका हर एक जो जगह है ना, ये क्रिसमस से ही रिलेटेड है। इसे कैंडी केन लेन, क्रिसमस का कैंडी, जिंगल बेल लेन, जिंगल बेल क्रिसमस से रिलेटेड है, पाइन ट्री, मतलब जो ये क्रिसमस का ट्री होता है उससे रिलेटेड, पाइन ट्री, मतलब इस शहर में जितने भी रोड्स हैं, जितने भी जगह हैं, सब किसी न किसी तरीके से क्रिसमस से ही रिलेटेड है। फैक्ट नंबर 18, एक बहुत ही यूनिक आर्ट होता है एक असल पेड़ को उगाने का गमले में, जिसे कहते हैं बॉन्साई। और इसमें ये होता है कि एक बड़े पेड़ का मिमिक्री किया जाता है एक छोटे पेड़ में, काइंड ऑफ उसे कॉम्प्रेस किया जाता है, और ये सिर्फ जापान में होता है। बहुत ही गजब सी चीज है, मतलब गजब है ना। फैक्ट नंबर 17, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी लाइफ से जुड़ी हुई। इस इमेज को देखो पहले ध्यान से, क्या दिख रहा है इसमें, इसमें हैप्पीनेस का मतलब दिया हुआ। हैप्पीनेस क्या होता है? इवेंट्स माइनस एक्सपेक्टेशंस, मतलब आपका जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इतना मिलना चाहिए वर्सेस जो आपको एक्चुअल मिलता है, इसी का ना डिफरेंस हैप्पीनेस होता है। एक्सपेक्टेशन आपका कुछ है और इवेंट जो आपका जिंदगी में घटना घटा वो आपका उम्मीद से भी ज्यादा है अगर, तो आपको खुशी होती है, अरे वाह मुझे ये मिल गया। और अगर वही उल्टे तरफ आपका एक्सपेक्टेशन जो आपका उम्मीद है वो इतना है, और अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जो कि आपकी उम्मीद से कम है, तो आपको अनहैप्पीनेस होता है, मतलब दुखी फील होता है। और अगर एक्सपेक्टेशन और लाइफ का इवेंट दोनों बराबर भी है, आप जो एक्सपेक्ट किए आपको वो मिला, तो वो भी हैप्पीनेस होता है। ये था फेमस मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस, और इसे मो गॉडार्ट जो कि गूगल एक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर है, उन्होंने ये डिस्कवर किया है। फैक्ट नंबर 16, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अरविन, इस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने पब्लिक में ये कहा कि जी हाँ, हम लोगों ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे एक अंडे को अनबॉयल किया जा सकता है। इसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल तरीका होता है। फैक्ट नंबर 15, GTA 5 जो गेम है ना, ये गेम नहीं है, पता है, ये बहुत ही बड़ी चीज है, मतलब ये इतनी कॉम्प्लेक्स गेम है, मिलियंस ऑफ कोड्स वाला ये ऐसा गेम है जिसका बहुत ही रियल लाइफ में भी उपयोग किया गया है। कैसे? जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है, मतलब एक ऐसी कार, गूगल कंपनी भी ट्राई कर रही है एक ऐसी कार बनाने में जिसमें ड्राइवर का नीड ही नहीं होगा, खुद अपने आप स्टीयरिंग घूमेगा और खुद वो ट्रैफिक, मतलब गाड़ी को ऐसा कार रहेगा कि वो खुद ड्राइव कर लेगा सिंपली। तो वो कार में जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो GTA 5 गेम में जाकर उससे सीख रही है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स GTA 5 से ड्राइविंग सीख रही है, और ये बहुत ही बड़ी बात है, मतलब एक गेम से कार अपने आप ड्राइविंग सीख रही है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स GTA 5 गेम को खेलती है और अपना ड्राइविंग स्किल को बेटर बनाती है। और जहां तक आपका जो सवाल ऑब्वियसली होगा कि ये कार कब तक मार्केट में आएगा, कब तक हमारे इंडिया में देखने मिलेगा ऐसा कार जिसमें कोई ड्राइवर नहीं हो, तो बात ये है ना कि ऐसा प्रोटोटाइप जो है वो बन गया, लेकिन रियल में लॉन्च जो है वो आपका 10-20 साल 30 साल बहुत, मतलब दूर की बात है अभी ये सेल्फ ड्राइविंग, क्योंकि बहुत सारे सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एक्सीडेंट्स कॉमन बात है, इसकी जब एक्सपेरिमेंट होती है रियल लाइफ रोड में तब। फैक्ट नंबर 14, व्हाइट आउट। पहले आप ये जानो कि जितने भी मौसम होते हैं, ठंडी गर्मी बरसात ये सब में जितने भी वेदर कंडीशंस होते हैं, कुहासा ये सब वो सब व्हाइट आउट, ये एक ऐसी यूनिक सी आउट ऑफ द वर्ल्ड वेदर कंडीशन है ना, जिसमें विजिबिलिटी और कॉन्ट्रास्ट इसके चलते ये जो दिख रहा है आपको स्नो बर्फ, जो कि आपको इतना प्लेन दिख रहा होगा कि पूरा लोकेशन आपको व्हाइट दिख रहा होगा, ये सिर्फ बर्फ है, और इसमें होराइजन डिसअपीयर हो जाता है, और ऊपर इतना कुहासा होता है कि आसमान भी नहीं दिखता है, पूरा व्हाइट कुहासा हो जाता है, और नेविगेशन का कोई तरीका बचता ही नहीं है, मतलब एक फिल्मी सीन होता है ना इसमें चारों तरफ व्हाइट रहता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाना है, वैसा रियल में हो जाता है व्हाइट आउट, इट्स एन रियल वेदर कंडीशन। फैक्ट नंबर 13, एक एप्पल जो होता है उसको हम लोग काट के सिंपली उसका एक पीस खाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो उसका ऊपर वाला छिलका होता है उसे पील कर देते हैं, उसे छील देते हैं, तो आप ही जान लो कि एप्पल में जितना फाइबर होता है, वो फाइबर जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, उस फाइबर का 50% सिर्फ उसके छिलके में होता है, मतलब आपको इसके छिलके को नहीं छीलना चाहिए,
एप्पल के छिलके को, और एप्पल में जितना भी विटामिन सी होता है उसका 30% उसके ऊपर वाले छिलके में ही होता है, तो इसलिए छिलके को पील नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 12, एक अमेरिकन लेक है, झील है, और उसका नाम है, देखो ये है लेक का बोर्ड, यहाँ से शुरू हो रहा, चलो पढ़ते हैं, चार गोवा गा ओ गोवा मान चाऊ ला गाचो चाउरू बौना गुंगा गमाउग। और इसका नाम इतना बड़ा है कि ये कोई घूमने जाएगा बोलेगा मस्त लेक था, कोई पूछेगा नाम क्या है तो ये इतना बड़ा थोड़ा बोलेगा, तो इसलिए इसका एक और एक कॉमन नेम निकाल दिया गया, इसका नाम है वेबस्टर लेक, लेकिन इसका रियल नेम वही है, पता नहीं किसने नाम रखा। फैक्ट नंबर 11, जापान में साल 1923 में एक ऐसा अर्थक्वेक आया था और वो इतना तबाही मचाया था कि टॉर्नेडो भी आ गया था, और नॉर्मल टॉर्नेडो जो आप ऐसा देखते हो ऐसा टॉर्नेडो नहीं, बल्कि एक ऐसा टॉर्नेडो जो कि आग का बना हुआ था, ये फायर टॉर्नेडो के नाम से भी फेमस हुआ था, और 15 मिनट के इस फायर टॉर्नेडो के चलते 38,000 लोग सिर्फ 15 मिनट में ही मर गए, ये पूरे विश्व का सबसे अजीब टॉर्नेडो था। फैक्ट नंबर 10, हनी बैजर, इस जानवर को देखो पहले, ये एक जानवर है ठीक है नॉर्मल सा, पर थोड़ा और बड़ा कर पिक्चर, अब देखो एरो डाल पिक्चर पे, ये जो स्किन देख रहे हो ना स्किन, ये कोई नॉर्मल स्किन नहीं है, इस पर आप अगर 5 भाले भी मार दो ना तो भाला उस पर जाएगा और कट करके वापस आ जाएगा भाला, इतना मजबूत स्किन है, मतलब कोई ट्राइब कोई जंगली ट्राइब अगर इसे मारने भी गया ना तो वो बैठेगा और वो भाला चलाएगा कट कट कर लगेगा और फिर आराम से चल जाएगा, बोलेगा हाँ मार और मुझे मार, मतलब इसका स्किन इतना टफ होता है। फैक्ट नंबर 9, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर आप में से 100% ऑफ द व्यूअर्स आप में से हर कोई जानता होगा क्या होता है, और इसका स्पेलिंग ये होता है हेलीकॉप्टर, सिंपल HELICOPTER, और लेकिन एक मन में आता है ना बात कि इसका नाम इतना बड़ा पीस पीस में पढ़ते नहीं हम लोग, इसे हेलीकॉप्टर होगा इसका नाम, हेली का मतलब कुछ और होगा कॉप्टर का मतलब कुछ और होगा, जैसे हाइड्रोफोबिया होता है ना उसका अगर ब्रेक डाउन करें तो हाइड्रोफोबिया पानी का, हाइड्रोफोबिया डर पानी का डर हाइड्रोफोबिया, वैसे हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर ये नहीं होता है पता है, बल्कि हेलिको और पटर ये होता है, हेलिको पटर, हेलिको का मतलब होता है स्पाइरल मतलब गोल 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 गोल, पटर का मतलब होता है विंग्स पंख मतलब ये जो घूम रहा है, इसलिए इसका ब्रेक डाउन हेलिको पटर होता है न कि हेलीकॉप्टर, दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, डिज्नी वर्ल्ड जो है ये फेमस जगह डिज्नी वर्ल्ड, इसमें क्या है ना कि इसका अंदर का जो जगह है इसका अपना एक गवर्नमेंट है, जैसे एक देश में गवर्नमेंट होता है ना सरकार, वैसे ही डिज्नी वर्ल्ड के अंदर एक वर्चुअल सरकार है, रियल लोग है जो कि वहाँ का मेंटेनेंस सड़क ये सब देखते हैं डिज्नी वर्ल्ड का, मतलब एक डिज्नी वर्ल्ड का अपना लोकल गवर्नमेंट जिसको बाहर के गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, दैट्स अमेजिंग अगर आप इसे समझ पाए हो तो। फैक्ट नंबर 7, ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये जर्मनी का शहर है नॉर्डिंगलैंड, और ये जो गोल इलाका आप देख रहे हो ये कोई नॉर्मल सा सिंपल बिल्ट डिजाइन नहीं है, बल्कि ये शहर एक मेटियोर के क्रैश साइट पर बनाया गया है, मतलब देखो इसे ये जो गोल देख रहे हो यहाँ पर पहले मेटियोर क्रैश किया था, और मेटियोर क्रैश होने के बाद वहाँ गड्ढा हो गया था, उसे हल्का सा फिल करके उसको पूरा रिपेयरमेंट करके एक चलता फिरता शहर बना दिया गया। फैक्ट नंबर 6, कोआला, ये जो जीव होता है इसका जो फिंगरप्रिंट होता है ये इंसानों के फिंगरप्रिंट से इतना मैच करता है कि क्राइम सीन, एक बार एक क्राइम का चेकिंग चल रहा था कि टिपिकल क्राइम का CID वाला चीज ठीक है, तो उसमें हैंड प्रिंट मिला और वो दिखा कि हाँ इंसान का ही होगा, इंसान का जांच होने लगा पर बाद में पता चला कि वो इंसान जैसा दिखने वाला इस जानवर का था, मतलब क्राइम सीन में भी स्पेशलिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इस एनिमल का जो हैंड प्रिंट है वो इंसानों के हैंड प्रिंट से इतना मैच करता है। फैक्ट नंबर 5, चाइना में एक एग्जाम होता है इसका नाम है गुआकाओ, और ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है जो कि 2 दिन तक चलता है, और इसमें एवरेजली हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बात यह है कि इस एग्जाम को इतना वैल्यू दिया जाता है इतना स्पेशल माना जाता है कि जब एग्जाम हो रहा होता है तब फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है उस 2 दिन के लिए, और सड़क पर गाड़ी का जो हॉर्न होता है उसको भी बंद कर दिया जाता है, और चारों तरफ पुलिस फोर्स फैल जाती है ताकि रोड ऐसा स्थिति में रहे कि जो एग्जाम दे रहे हैं उनको डिस्टरबेंस ना हो, ये मतलब दुनिया के सबसे वैल्यूड एग्जाम्स में से एक है चाइना में, और बहुत स्ट्रिक्ट है। फैक्ट नंबर 4, टाइलेनोल नाम का एक दवाई है, एक
ड्रग है, मेडिकेशन ड्रग, तो ये ट्रीटमेंट में काम आता है। पर बात ये है ना कि इसे लोग यूज करके बहुत कोई सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत सारे केसेस में टाइलेनोल पाया गया है। तो ब्रिटेन में क्या हुआ ना कि वहाँ की गवर्नमेंट ने टाइलेनोल के सिरप को बंद करके उसे बैन करके अब टैबलेट्स को ला दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे एक बहुत ही एक्सपेक्टेबल सी चीज हुई, टाइलेनोल से की हुई सुसाइड 43% कम हो गई। क्यों? क्योंकि सिरप जो था उसे एक बार में ही लेके लोग पी जाते थे और खत्म, और जो टैबलेट होता है उसे एक एक करके पिल करना पड़ता है, फिर पीना पड़ता है, फिर एक एक करके, इसमें टाइम लगता है। इससे लोग 30 सेकंड में खत्म, और इसमें टाइम लगता था, तो इससे सुसाइड बहुत अच्छे से प्रिवेंट हो पाई। ये था टाइलेनोल का सुसाइड प्रिवेंशन। फैक्ट नंबर 3, टेक्सास में एक टायर शॉप थी, एक टायर की दुकान थी, और अजीब बात ये है कि वहां के एरिया में कोई भी दुकान में चोरी नहीं होती थी, पर इस टायर की दुकान में पता नहीं क्यों बार बार चोरी होती थी, 10 बार 20 बार। तो आखिरकार वहां के ओनर ने एक गार्ड डॉग जो होते हैं ये फिल्मी डॉग, वैसा डॉग को बाय कर लिया। और इसके बाद ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, जो चोर चोरी करते थे वो इस बार डॉग को ही उठा के ले गए। अमेजिंग। और ये फनी कहानी बहुत ही फेमस हुई इंटरनेट पे। फैक्ट नंबर 2, न्यूजीलैंड जो ये देश है इसमें कई लोग ये चाहते हैं कि वहाँ का जो ये फ्लैग है अभी ये बदला जाए, पता नहीं क्यों। तो वहाँ के एक ग्रुप ने $17.4 million, मतलब करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा दिए एक नए फ्लैग बनाने में। पर वहाँ का जो कंट्री के लोग है वहाँ से वोट किया गया, तो ये पता चला कि वहाँ के लोग नहीं चाहते कि वहाँ का फ्लैग बदले। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसमें वहाँ का पैसा जो है 100 करोड़ वो बर्बाद हो गया। 100 करोड़ लगाने के बाद लोगों ने सिंपली रिजेक्ट कर दिया। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तब व्हाई वी लुक बेटर इन मिरर देन इन फोटोज, हम लोग शीशे में ज्यादा अच्छा क्यों दिखते हैं, इसका आंसर ये है कि शीशा जो है वो आपको लाइव दिखाता है, ठीक है। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तब आप अपने आप को किसी भी एंगल से देख सकते हो और अपना पोस्चर चेंज करके देख सकते हो, काइंड ऑफ एक वीडियो की तरह। पर जब कोई आपका पिक्चर स्नैप करता है तब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेम कैप्चर होता है, आप अगर ऐसे होंगे तो ऐसे ही पिक्चर आ जाएगा, और वो सिर्फ वन स्नैप जजमेंट की तरह होता है, सिर्फ एक फ्रेम होता है, एक बार कैप्चर हो गया फिर आप उस पोज को बदल नहीं सकते हो, और बेशक वो आपका फेवरेट पोज नहीं होता, और फिर आप उस पिक्चर में अपने आप को देखते हो और फिर कहते हो कि अगर मैं ऐसे के बदले ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा लगता, और अगर वही आप शीशे के पास होते तब तो आप अपने आप को किसी भी तरह से देख सकते हो लाइव। यही वो रीजन है कि आप अपने आप को मिरर में जितना स्मूथ, जितना अच्छा देख पाते हो, जनरली पिक्चर्स में हमें वैसा नहीं दिखने मिलता, हमें वो प्लीजिंग इफेक्ट नहीं आता। दिस इज द रीजन कि आप फोटो से ज्यादा शीशे में ज्यादा अच्छा लगते हो, ज्यादा अच्छा दिखते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो आइडियाज को भी कमेंट करना, न्यू टॉपिक्स। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि मुझे कोई मस्त सा कमेंट दिख जाए और उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो, लिंक्स वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।